अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी रोल। चिकन मलाई बोटी रोल के लिए सबसे पहले हम डोई तैयार करेंगे। मैदा लेंगे 2 कप, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, चीनी लेंगे 1/2 टीस्पून, सूजी लेंगे 1/4 कप, घी लेंगे 2 टेबल स्पून और 1 कप नीम गर्म पानी। इससे हम डोई तैयार करेंगे। सबसे पहले नमक लेंगे, सूजी लेंगे, चीनी लेंगे और 2 टेबल स्पून जो घी है वो डाल देंगे और इसको सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ले आएंगे और इसे गूंदेंगे। इसे हम 5 मिनट तक गूंदते रहेंगे। दो तैयार हो चुकी है और इस पर हमने थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ड्राइनेस ना हो। उसके बाद किचन टावल डाल के रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए। और पानी हमारा, हमने 1 कप लिया था लेकिन 1/2 कप हमारा लगा है 2 कप मैदे में। चलें अब हम चिकन मलाई बोटी तैयार करेंगे। चिकन मलाई बोटी के लिए लेंगे हम चिकन 400 ग्राम, दही 1/2 कप, करीम 1/2 कप, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, नमक लेंगे, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, गरम मसाला पाउडर लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, ज़ीरा लेंगे क्रश किया हुआ, ग्रीन चिली पेस्ट लेंगे, सिरका लेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। दही लेंगे अब, क्रीम लेंगे, और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे मैरिनेट करके आधा घंटा रखेंगे। सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए जो चीज़ें ले रहे हैं हम, साबुत लाल मिर्ची लेंगे हम 6 अदद, इमली का पल्प ले रहे हैं हम 1/2 कप, चीनी ले रहे हैं 1 टीस्पून, नमक ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, धनिया ले रहे हैं 2 टेबल स्पून, पुदीने के पत्ते ले रहे हैं 6 अदद, क्रश रोस्टेड ज़ीरा ले रहे हैं हम 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम साबुत लाल मिर्चों को बॉयल करेंगे। पानी को हमने गर्म कर लिया, उसमें हम मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों को हमने बॉयल करना है, ये बॉयल होंगी और फिर हम इन्हें निकालेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को डाल के हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और चटनी तैयार कर लेंगे। बस 2-3 मिनट हमने इन्हें बॉयल करना है। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इमली का पल्प डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, क्रश किया हुआ ज़ीरा डालेंगे, बॉयल मिर्ची ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। चटनी तैयार है, अब इसे निकालेंगे। चिकन मलाई बोटी तैयार करने के लिए अब 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म कर लें। ऑयल गर्म हो गया है, 10 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है और इसमें हम डाल देंगे ये। चिकन मलाई बोटी तैयार है, अब फ्लेम को बंद कर देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम देखेंगे हमारा आटा कितना अच्छा हो चुका है। देखें,
थोड़ा सा खुश्क मैदा लेंगे और इनके पेड़े बनाएंगे। इस तरह पेड़े बना के रखते जाएंगे। पेड़े बना के हमने रख दिए, अब हम इसे 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम इन्हें बेलेंगे, फिर से हम इनके पेड़े बनाएंगे और फिर से पराठे तैयार होंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, पेड़े हमारे ठीक हो चुके हैं बिल्कुल। अब इसे बेलेंगे इस तरह से, जैसे हम रोटियां बेलते हैं। खुश्क मैदा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। हमने बेल लिया, रोटी बना के हमने बेल लिया। थोड़ा सा घी लगाएंगे, हिला देंगे हर तरफ और ऊपर से खुश्क मैदा फिर डालेंगे, फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह करके। फोल्ड कर लिया, दूसरी साइड उठा के इस तरह फोल्ड कर लिया, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा खींचेंगे, अब इसे इस तरह से फिर से इस तरह से करेंगे फोल्ड इस तरह। इस तरह करके इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से पेड़े तैयार कर लेंगे, फिर से बेल के पराठे बना लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इनको बेल लेंगे। थोड़ा सा घी लेंगे, इन्हें ज्यादा गोल्डन नहीं करना, सिर्फ लाइट लाइट सा पकाना है, लाइट सा कलर देना है और फिर इन्हें निकाल लेना है। थोड़ा सा घी ऊपर लगाएंगे, अब इसे निकाल लेंगे। बस इतना सा हमने इसे पकाना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। अब हम फिलिंग करेंगे, वो हम चटनी पहले लगाएंगे। चटनी लगा के चिकन डालेंगे, प्याज रखेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह बना के रखते जाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये लीजिए, तैयार है चिकन मलाई बोटी रोल। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।